नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीन अंकों का घटाना सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टूडेंट हैं जिनको इस टाइप के सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। उनकी कई दिनों से कमेंट भी आ रही थी कि सर घटाना के सवालों को सिखाइए, तो आज की इस वीडियो में हमने तीन तीन अंकों वाले चार सवालों को लिया है। इन चारों को ही हम बहुत सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें हासिल वाले भी हैं, बगैर हासिल वाले भी हैं, तो आपको सभी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारा यहां पर पहला सवाल है कि हमें 215 में से 116 को घटाना है, ठीक है। कैसे घटाएंगे, तो देखिए यहां पर 5 है और यहां पर 6। देखिए घटाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें से इस वाली लाइन में देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसके बाद में यहां पर आएंगे इसमें से इसको घटाएंगे, फिर यहां पर इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो पहली लाइन में देखिए 5 में से हमें 6 को घटाना है, क्या घटेगा, नहीं घटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक उधार लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 15। अब 15 में से हम 6 को घटाएंगे तो घट जाएगा, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, देखिए तो यहां पर 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 9, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां पर हम एक था तो एक हमने उधार लिया था यहां पर, तो यहां पर अब कितना बचा, यहां पर अब बची 0। अब 0 में से एक तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक उधार लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10। 10 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे 9, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर 2 थे तो एक उधार लिया था, तो यहां पर कितना बचा, 1। 1 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगी, यानी कि हमारा आंसर आ गया है 99, और यही जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरे वाले को देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर है, सबसे पहले देखिए इसको इसमें से घटाएंगे, फिर इसको इसमें से, फिर इसको इसमें से। देखिए 8 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 ही आएंगे, क्योंकि 0 घटाएंगे, 0 घटाने पे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में 1 में से हमें 2 को घटाना है, नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक उधार लेंगे, तो यहां पर 1 तो पहले से है, 1 उधार लेंगे तो यहां पर हो जाएंगे 11। अब 11 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे 9, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने एक उधार लिया तो यहां पर कितने बचे, 3। तो 3 में से 2 को घटाइए, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 198 जो है ये हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको समझना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर 993 में से हमें 914 को घटाना है, कैसे घटाएंगे, तो देखिए 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हम एक उधार लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। 13 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, तो ये आ गया 9, ठीक है। अब यहां पर 9 था, एक उधार लिया, तो यहां पर कितने बचे, यहां पर बचे 8। अब 8 में से 1 को घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 7, ठीक है, और 9 में से 9 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हमारा जो चौथा सवाल है इस पर। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 में से 4 को घटा दीजिए, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 5, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, 8, 8 में से 2 को घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगी, तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर कितना, 65, ठीक है। तो देखिए चारों सवालों को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से जो घटाना के सवाल हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।